नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश मंथन फिल्मों में गीत लेखन से रिलेटेड एक बहुत ही खास और जरूरी वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, अगर आप गीत लिखने का शौक रखते हैं, आप नवोदित गीतकार हैं और प्रोफेशनल फिल्म लिरिसिस्ट बनने का इरादा रखते हैं तो ये वीडियो जरूर देखें। दोस्तों, अक्सर मेरे नवोदित गीतकार बंधु व्हाट्सएप और मेल के जरिए मुझसे अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि एक फिल्म गीतकार बनने के लिए पंजाबी या अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना अनिवार्य है क्या। तो आज मैं उनके इस सवाल का जवाब दूंगा। देखिए दोस्तों, भाषा कोई बुरी नहीं होती। अगर आपको पंजाबी आती है, इंग्लिश आती है तो वेल एंड गुड, अच्छा है। वैसे भी आजकल जो गाने बन रहे हैं वो मिक्स्ड भाषाओं के जो वर्ड्स हैं उनका काफी इस्तेमाल हो रहा है। अगर आप थोड़ी बहुत पंजाबी जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं तो इससे आपके गानों में निखार ही आएगा। दोस्तों, मेरा मानना है कि अगर आपको पंजाबी और इंग्लिश भाषा नहीं भी आती है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि मोस्टली सॉन्ग्स हिंदी में ही बनाए जाते हैं। अगर आपको अपनी हिंदी भाषा का अच्छा ज्ञान है, आप हिंदी भाषा जानते हैं तो भी आप एक अच्छे गीतकार बन सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं, मैं पंजाबी नहीं हूं लेकिन इतने समय से गाने लिख रहा हूं फिल्मों के लिए, तो मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया है, पंजाबी वर्ड्स हों चाहे इंग्लिश वर्ड्स हों, मुझे काफी नॉलेज हो गई है। और जब मुझे जरूरत होती है इस तरह के गाने लिखने की, पंजाबी गाने या इंग्लिश गाने, तो मुझे दिक्कत नहीं होती और मैं लिख लेता हूं। मेरे कई ऐसे पंजाबी गाने हैं जो कई फिल्मों में और म्यूजिक वीडियोस में आए हैं, रिलीज हुए हैं, लोगों द्वारा पसंद भी किए गए हैं। तो दोस्तों, निष्कर्ष ये निकलता है कि अगर आपको हिंदी भाषा आती है, पंजाबी और इंग्लिश नहीं भी आती है तो भी आप अच्छे गीतकार बनेंगे, क्योंकि 80% सॉन्ग्स तो हिंदी में ही बन रहे हैं। दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने लाइक्स दीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, मैं आपसे फिर मिलता हूं बहुत जल्द एक और नए दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।